नमस्ते। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी हेल्दी गेहूं के आटे का टी टाइम नाश्ता। चाय के टाइम हमें छोटी मोटी भूख लग ही जाती है, तो कुछ हमें हल्का हेल्दी खाना रहता है, ऑयली हम नहीं खा सकते, कुछ सोचते हैं क्या बनाएं। तो आज हमने बनाया है कुछ हेल्दी टेस्टी टी टाइम नाश्ता, बहुत ही टेस्टी है, बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए फटाफट बनाते हैं। मैंने लिया है एक कटोरी आटा, वजन में 250 ग्राम होगा, और उसमें डालूंगी एक चम्मच जीरा, एक चम्मच अजवाइन डाला है, आधा एक चौथाई चम्मच मैंने इसमें हींग डाला है, और एक आधा चम्मच मैंने डाला है कश्मीरी लाल मिर्च, इसमें आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है, स्वाद अनुसार मैंने नमक डाला है, और मैं इसमें डालूंगी हरी सब्जियां काटी है थोड़ी सी, तो एक गाजर मैंने कद्दूकस कर लिया है, एक बारीकी से मीडियम प्याज काटा है, एक शिमला मिर्च बारीकी से काट लिया है, थोड़ा सा मैंने नारियल 2 इंच मैंने कद्दूकस कर लिया, 1 इंच अदरक, 2 हरी मिर्च और थोड़ी सी हरी धनिया डाला है, हरी धनिया और ज़्यादा जितना डाल सकते हैं। इसमें सब 2 चम्मच मैंने तेल डाला है, डाल करके इसे, और 1 नींबू का रस मैंने निचोड़ा है। नींबू अगर आप नहीं खाना चाहते तो आप इसके जगह पे दही या छाछ का भी यूज कर सकते हैं, नींबू का फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है, और छाछ से गूँथेंगे वो भी और अच्छा लगेगा। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूंगी, पहले हाथों से मैं सारे मसाले सब्जियों को आटे को एकदम मिक्स कर लूंगी, फिर मैं इसे गूँथूंगी। आप इसमें मनचाहे सब्जी, पत्ता गोभी, मेथी, पालक, बीटरूट, आप टमाटर फ्लेवर में भी आप इसे बना सकती हैं, जो आपको पसंद हो। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके मैं रोटी की तरह हमें आटा लगा लेना है, न बहुत ज़्यादा टाइट ही हमें आटा लगाना है और न बहुत ही ढीला, मीडियम आटा हमें गूँथ लेना है, जैसे हमारे रोटी का आटा मीडियम रहता है। तो मैं इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसे मैं गूँथ लूँगी, पानी थोड़ा ही थोड़ा डाल के गूँथे, क्योंकि इसमें सब्जी नमक सब चीज़ मिक्स रहता है तो पहले से भी वो गीला ही रहता है। तो मैंने 1 कप पानी इतने आटा गूँथने में हमारा लगा है, और मैं इसे, ये देखिए एकदम रोटी की तरह चिकना आटा मैंने गूँथ लिया है। अब इसे 10 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ूंगी। 10 मिनट बीत गया है, आटा हमारा रेस्ट कर लिया है। अब मैं लूँगी चकली बेलन और इसे मैं बेलूँगी। थोड़ा थोड़ा सूखा आटा लगा करके हमें इसे बेलना है। सूखा आटा हाथ में लगा के आटे का मैं 2 भाग कर लूँगी, और आधा लेकर के लोहिया बड़ा बना लूँगी। बड़ा ही लोई हमें बनानी है, क्योंकि पूरे चकली के बराबर हम इसे बेलेंगे। सूखा आटा लगा करके एकदम पराठे की तरह बहुत पतला नहीं बेलना है, और ना ही बहुत मोटा ही बेलना है, जैसे हमारा मीडियम में पराठा रहता है ना, उसी तरह से हमें इसे बेल लेना है। बहुत इजी है बेलना, सूखा आटा लगाते जाएंगे, और हम इसे ज़रा भी अगर चपकने लगे तो आप सूखा आटा लगा लीजिए। बहुत ही इजी ये नाश्ता झटपट बन के तैयार हो जाता है, और ये घर में एक बार आप बना के चाय के समय देंगी ना तो सब बहुत खुश हो जाएंगे, खाने में वाह वाह करेंगे। तो मैंने गैस चालू करके पैन चढ़ा दिया है, और मैं ली हूँ कुकी कटर, आप ग्लास से भी काट सकती हैं, चाकू से भी, ट्रायंगल शेप में और स्क्वायर में, जो कटिंग आपको अच्छा लगता है। मेरे पास कुकी कटर था तो मैंने हार्ट शेप में काटा है, हार्ट शेप में बहुत अच्छा लगता है ये दिखने में। तो मैं इसे पूरा काट लूँगी। बहुत ही टेस्टी ये नाश्ता, हेल्दी, झटपट बनकर तैयार हो जाता है। कैसा लग रहा है आपको ये नाश्ता हमारा टी टाइम? अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप भी इसे बनाइए, खाइए, खिलाइए, और फिर अपनों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अपना अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए कि कैसा लगा हमारा ये टी टाइम नाश्ता। अब मैं, गैस हमारा गर्म हो गया है, और इस पे मैं तेल लगा दी हूँ। आप तेल के जगह पे घी भी लगा सकती हैं, बटर भी लगा सकती हैं, जो आपको पसंद हो। मैंने तो तेल में ही बनाया है,
आप घी भी लगा सकती हैं। और सारे स्नैक्स इसके नाश्ते को मैं इसके ऊपर मैं डालूँगी। पूरा मैंने हार्ट शेप में ही काटा है, हार्ट शेप मुझे बहुत अच्छा लगता है और दिखने में भी, और सब करेंगी तो भी बहुत अच्छा लगेगा। और इसे मैं सब डाल दूँगी। गैस हमारा मीडियम ही रहे, मीडियम आँच पे हमें इसे सेकना है। और इसे सब जगह मैं इसे फैला दूँगी। और इसे मैं ब्रश से फिर से मैं नीचे तो मैंने ब्रशिंग किया था तवे पे, ऊपर के साइड भी हम थोड़ा 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 तेल लगाएंगे इसमें ब्रश से ही। ब्रश से तेल थोड़ा कम लगता है, पूरा अच्छे से सब जगह लग जाता है। ऐसे मैं धीमी आंच पे 2 मिनट लगता है इसे पकने के लिए। अगर आपको ये दिखने में अच्छा लग रहा है, खाने में भी खाइए खिलाइए, अगर अच्छा लगा फिर इसका फ़ोटो खींच के इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप हमें शेयर कीजिए, भेजिए इसे। और इसे मैं आसानी से पलट दूँगी, हाथ जलना नहीं चाहिए। चमचा से एक बार उठाइए और हाथ से इसे पलट दीजिए, क्योंकि कभी कभी चमचे से छटक जाता है क्योंकि छोटा है। इसे मैं गोल्डन कलर का एकदम इसे तब तक सेक लूँगी इसे। और कोई भी डिजाइन कलर इसे बनाइए हेल्दी आटे में, झटपट मैजिक नाश्ता हमारा फटाफट ये तैयार हो गया। गोल्डन होने तक हमें इसे सेक लेना है। आपके पास नॉनस्टिक पैन है तो नॉनस्टिक पैन में सेकिए, नॉर्मल है तो आप नॉर्मल पैन में भी आप इसे सेक सकती हैं। ये देखिए इस तरह से हमें कुछ गोल्डन कलर होने लगे। अब हमारा ये पक गया है नाश्ता, हम इसे अब सर्व करेंगे। कितना सुंदर लग रहा है ना, स्वाद में भी बहुत ही अच्छा है। इसे मैंने इमली की चटनी और हरी चटनी के साथ मैंने इसे सर्व किया है। दोनों चटनी की रेसिपी आप हमारे आई बटन पे देख सकती हैं। मैंने सतरंगी चटनी बनाई है, इमली और खजूर की चटनी बनाई है। दोनों रेसिपी आप हमारे आई बटन पे देखिए। कितना सुंदर लग रहा है ना हमारा टी टाइम नाश्ता। टी भी हमारी बन के तैयार हो गई है। मत खिलाइए खाइए, अपनों के साथ शेयर कीजिए अगर ये पसंद आया। और हमारी रोज़ नई रेसिपी अलग अलग नाश्ते में देखना चाहती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। मैं रोज़ मिलूँगी आपके साथ कुछ नई रेसिपी के साथ। सबसे पहले देखिए हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। जल्द लौटूँगी किसी नए रेसिपी के साथ। थैंक यू।